नमस्कार। आज मैं बाथू के परांठे बनाऊंगी। मैंने 90 ग्राम बाथू लिया है। इसे मैंने अच्छी तरह धोकर बारीक काट लिया है। एक मग मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे मक्की का आटा बीच में पा सकते हैं, बेसन पा सकते हैं या मैदा पा सकते हैं। मैंने गेहूं का ये आटा ही लिया है। आधा चम्मच यही वाला काली मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है, चाट मसाला लिया है, 1.5 चम्मच ये वाला मैंने लाल मिर्च का लिया है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। आधा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया, अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है। 2 मैंने हरी मिर्च लिया, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। बनाने के लिए मैंने तेल लिया है, 1 कप मैंने दूध लिया है। दोस्तों, इन सबको मिलाकर मैं आटे को गूंद लेती हूँ। सभी मसाले डालेंगे, हरी मिर्च और अदरक 1 कप दूध है, इसमें पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। आटा मैंने गूंद लिया है, आटे को ऐसे सॉफ्ट लगाना है हमने। बनाना शुरू करते हैं। तेल लगाएंगे, लेंगे तवा हमारा गर्म हो चुका है, परोठे को डालेंगे, गैस को तेज करेंगे। एक तरफ से परोठा सिक गया है, ऐसे हमें दूसरी तरफ से सेकना है। गैस को तेज रखना है। पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है, ऐसे ही हमने दूसरा सेकना है। परोठा भी हमने बेल लिया है, तेल लगाएंगे तब उसको, परोठे को डालेंगे, परोठे को तेज गैस पे ही सेकना है। एक तरफ से सेक गया है पराठा, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सेकना है। तेल लगाएंगे, गैस को मीडियम फ्लेम पर करेंगे, ऐसे हमने सभी परोठे सेक लेने हैं। बाथू के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरे बनाए बाथू के पराठे अच्छे लगे हों तो घर पे बनाएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।